बच्चे अज असी वार्तिक भाग विच ताडा अगला निबंधा रबाब मगाउण दा वरतांत है। असी ये वाला जिहड़ा चैप्टर पढ़ांगे। वेदी खत्री जात नाल संबंधित पल्लियां दे पुत पोतरे गुरु नानक देव जी नूं खाण पहनण भुला के अते जंगलां विच बैठ के मरदाने डूम नूं साथी बना के करतार दे गुण गाउंदियां देख हिंदू मुसलमान कुराइया सदन लगे। उधर अकाल पुरख की प्रार्थना विच नित नवा शब्द गाउण वाले गुरु जी ने मरदाने नूं बीबी नानगी तो पैसे लैके रबाब नूं सब तो चंगा साज दस्तियां लियाउण लई कहा। मरदाना बीबी जी कोल गया, उहनां तों पैसियां दा भरोसा लैके गलियां विच रबाब लभण लगा, पर लोक उस नूं कुराइया दा डूम आदि कह के उस नाल बुरा सलूक करन लगे। तंग आ के मरदाना वापस गुरु जी कोल जाके सारी गल दसी। गुरु जी ने उस नूं लोकां वल्लों बेपरवाह रहण लई कहा। कुछ दिनां मगरों गुरु जी ने हुक्म दिता ते गुरु जी दे हुक्म अनुसार मरदाना बीबी नानकी तों 7 रुपए लै के दुआबे दे जट्टां दे पिंड विच फरिंदे नामी रबाबी कोल रबाब लैण गया। 3 दिन खुआर होण मगरों उस दा फरिंदे नाल मेल होया। मरदाने तों गुरु जी दे मूहों गाई जाण वाली अगम दी बाणी बारे सुन के उस ने रबाब मरदाने नूं देंदिया कीमत दे 7 रुपए ना ले ते कहा कि इह तां उस नाल कुछ पुराना संबंध है। दर्शना दी इच्छा नाल 3जे दिन ओह भी मरदाने नाल गुरु जी कोल पहुँच गया करतारपुर फरिंदा। गल्लां करन मगरों ओह गुरु जी दे चरणा उत्ते डिग पिया। कुछ दिनां पिछों उस दे चले जाण मगरों मरदाना रुबाब सुर करके पर ओह बेसुर हुंदी जावे। गुरु जी द्वारा उस नूं रुबाब बजाउण लई कहा तां उस ने कहा ओह ठीक कर लवे तां जो चंगा आवाज़ अते सुर निकल। गुरु जी ने कहा उसका काम बजाउणा है, सुर करन वाला करतार है। यह सुन के जदों मरदाने ने रबाब बजाई तो मिर्गा नूं मस्त करन वाला ठाट बन गया ते गुरु जी नूं जिहड़ी बाणी आई मरदाने ने ओह तेह उस विच मधुर सुर नाल गाई। धन्यवाद।